फेमस बॉलीवुड एक्टर अखिल मिश्रा की मौत के 5 महीने बाद ही उनकी पत्नी को नया प्यार मिल गया है। 3 इडियट्स, डॉन और वेल्डन अब्बा जैसी फिल्मों से मशहूर हुए एक्टर अखिल मिश्रा का पिछले साल 21 सितंबर को निधन हो गया था। अखिल मिश्रा अपने घर में फिसल गए थे और इस वजह से उनके सिर में गहरी चोट लग गई थी। उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं पाए थे। जिस वक्त अखिल की मौत हुई, उनकी पत्नी सुजाने बर्नेट हैदराबाद में शूटिंग कर रही थी। सुजाने ये रिश्ता क्या कहलाता सहित कई टीवी शोज और फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। अखिल की मौत के बाद सुजाने बुरी तरह टूट गई थी, लेकिन अब अखिल की मौत को 6 महीने पूरे नहीं हुए कि उनकी विदेशी पत्नी को नया प्यार मिल गया। सुजाने का ये नया पार्टनर भी इंडियन ही है। सुजाने ने अपने नए पार्टनर अर्जुन हरदास के साथ एक तस्वीर शेयर कर इंस्टाग्राम पर लिखा है, नई शुरुआत। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से इसे लेकर बातचीत भी की है। सुजाने ने कहा है कि उनके नए पार्टनर अर्जुन समझते हैं कि मैं आज जो भी कुछ हूँ वो अखिल मिश्रा की वजह से हूँ। वो मानते हैं कि अखिल मेरा हिस्सा हैं और वो मेरी जिंदगी में उनकी जगह नहीं लेना चाहते। खबरों की माने तो अर्जुन दिल्ली के रहने वाले हैं, वो बिजनेसमैन हैं। सुजैन और अर्जुन की मुलाकात दिल्ली में एक दोस्त की हाउस पार्टी में हुई थी। सुजाने ने अखिल मिश्रा की मौत के बाद लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था, वो सिर्फ काम की वजह से मिलती थी। इसके बाद उन्होंने खुद को दिल्ली ट्रैवल करने के लिए पुश किया। इस बीच बीते दिसंबर उनके दोस्त ने घर में हाउस पार्टी रखी थी, यहीं उनकी मुलाकात अर्जुन हरदास से हो गई। ये बातचीत जल्द प्यार में बदल गई। सुजाने के इस ऐलान के बाद फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। वो उन्हें ढेरों बधाइयां दे रहे हैं कि आखिर तबाह जिंदगी को संवारने के लिए उनकी जिंदगी में कोई तो आया। खबरें ऐसी भी हैं कि सुजाने जल्द शादी कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बॉलीवुड पे चर्चा।